नाम है बुंदेली चुगली से नीरज खबर पन्ना से। पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आंदोलन पे है, काम बंद हड़ताल पे है। आज से उग्र आंदोलन की चेतावनी जैसी की दी गई थी, यही की कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आज कलेक्ट्रेट पे कब्जा ठोक दो। पन्ना कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया, उग्र प्रदर्शन पे अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उतारू हो गई। देखो ये रिपोर्ट। नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग लेके पिछले दो सप्ताह से कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट के बगल में सड़क किनारे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने आज बड़ी संख्या में रैली निकाल के गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ज्ञापन सौंप के भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करी। रैली के दौरान यातायात व्यवस्था ठप नजर आई, एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। काफी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस निकाली जा सकी। उधर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने कब्जा जमा के इतने पर घेराव कर दो, मांग पूरी नहीं होगी तक सरकार घेरावे और आगामी विधानसभा चुनाव को बहिष्कार करने की इन्हें ऐलान कर दो। पुलिस बल और उपस्थित अधिकारी कर्मचारी ने बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ की जिला अध्यक्ष प्रिय द्विवेदी के समझाइश देवे के प्रयास कर रहे। अधिकारी इनकी को प्रयास होते रहो लेकिन जो नहीं माने। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कलेक्ट्रेट में कब्जे जमा के बैठ ही नहीं, काफी संख्या में आंगनबाड़ी कर्मियों ने कलेक्टर को घेराव कर दो जमके नारेबाजी करी। जिलाध्यक्ष प्रिया द्विवेदी ने कही है कि प्रिया द्विवेदी को यह है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव में हम हितग्राहियों के परिवार के परिजन के लेके भाजपा के खिलाफ है तो मतदान कर भी और लोगों से भी कह भी कि इनके खिलाफ मतदान करो, सरकार गिरा भी विरोध कर भी। हम बता दें मौका पे पन्ना कलेक्टर के SDM सत्यनारायण दर्रो पहुंचे भैया और समझाइश दे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहायकन के हड़ताल स्थल पर उन्हें वापस भेजो और उसके बाद कलेक्ट्रेट की हालत बहाल हो पाई, नहीं तो कलेक्ट्रेट में कब्जा होगा। तो प्रिय द्विवेदी का बता रही सुन लो तो ना। कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने नारी की शक्ति दिखाने का प्रदर्शन किया है। चूंकि आज हम लोग 12-13 दिनों से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ मुख्य मांगों को लेकर, लेकिन आज दिनांक तक ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ना शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी एक कर्मचारी आकर हम लोगों की किसी ने सुनवाई नहीं करी। तो आज आक्रोशित होकर कार्यकर्ता हमारी आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। ये बताइए सरकार बदल देंगे, क्या है इसके मायने? सरकार बदलने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोग चाहे हम अपने हक के अधिकार के अधिकारी हैं, हम चाहे जो कुछ कर सकते हैं। अगर आज हम लोगों ने सरकार बनाई है तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। एक और आपके भाई लाडली बहन का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी ओर बहने सड़कों पर है, क्या ये भेदभाव है? बिल्कुल भेदभाव है, पूरा भेदभाव है। आप देख सकते हैं अगर हम लोगों को उन्होंने लाडली बहना मानी होती तो हम लोगों की मांगे आज हम लोग 3 वर्ष से कंटिन्यू ज्ञापन देते आ रहे। अगर हम लोगों की उन्होंने लाडली बहना माना होता तो हम लोगों को आज ये रोड पे उतर के बैठना नहीं पड़ता। सरकार गिराने के लिए किस प्रकार से काम करेंगे? हमारी पूरे हम जिस तरह आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं 12-13 दिनों से और जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के पंडालों से सामने से निकलते हैं गाड़ी का शीशा बंद करके कि हम लोगों को नजर ना पड़े इन लोगों की, तो हम कार्यकर्ताएं भी समय आने पर उसका जवाब जरूर देंगे कि हम लोग अगर बना सकते हैं क्या हमारी बहनों ने या इनके परिवार वालों ने उनको आज सत्ता पे नहीं बैठाया है, तो हम लोग भी इस समय पे आने पर हम सारी बहनें उस चीज का जवाब हम लोग भी देंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जो हम लोगों की इच्छा होगी फिर हम वो करेंगे। हम अपने हितग्राहियों से भी कहेंगे और हम अपने घर परिवार वालों से किसी से भी ये नहीं कहेंगे कि आप लोग अपना वोट जाके दीजिए। पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोगों की पूरी नहीं होती है, आज तो यही किया है, इसके बाद उग्र आंदोलन इससे बढ़ता ही जाएगा, कम होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि मैं प्रिया द्विवेदी जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने हक की मांग कर रही, सरकार सुन नहीं रही, 2 सप्ताह हो गए व्यवस्था ठप है, आंगनबाड़ी में ताले हैं, बच्चा भूख से बिलबिला रहा है। अब कन्या भोज के भरोसे आंगनबाड़ी में दर्ज बच्चा है, अब हाल तो चल रहा, लेकिन नवरात्रि खत्म होने के बाद बच्चन की भूख कैसे मिटे, कैसे व्यवस्था बहाल हुई है, जो समझे वाली बात है। अब हम ले रहे बता खबर बने रहे, जयराम जी की। लॉ फील्ड में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर आपको देते हैं BA LLB LLB LLM
बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त, UGC एंड MP स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम देते हैं वेल एजुकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मूट कोर्ट, समय समय पर देश के प्रख्यात न्यायाधीशों द्वारा मार्गदर्शन, कोर्ट विजिट, इंटर्नशिप, एनरिच लाइब्रेरी। तो आज ही प्रवेश लें और बने एक सक्सेसफुल लॉयर। संपर्क करें नेशनल हाईवे 86 सागर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश